25 अगस्त 2017, अरक्कन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी म्यांमार आर्मी और पुलिस पोस्ट पर अटैक करती है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। उसके अगले ही दिन म्यांमार आर्मी रिटेलिएशन कैंपेन स्टार्ट करती है, जिसमें सैकड़ों रोहिंग्यास गांवों को जलाया गया, हजारों लोगों को मारा गया। रोहिंग्यास रिफ्यूजीज एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव कर रही है। रोहिंग्या एक मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है जो पिछले सैकड़ों सालों से म्यांमार के रैंकाइन स्टेट में रह रही है। फिर भी इनके पास न तो नागरिकता है और ना ही इनकी कम्युनिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। वहाँ के लोकल लोग इनको बंगाली मुस्लिम मानते हैं, यही मेन कारण है जिसकी वजह से वे लोग इनसे नफरत करते हैं। इनकी हिस्ट्री लंबी है। इसकी शुरुआत होती है 1823 में, जब म्यांमार यानी बर्मा ब्रिटिश रूल के अंडर आता है। ब्रिटिशर्स बंगालियों को बर्मा में आने के लिए इनकरेज करते हैं। इनका मोटिव था कि ये लोग यहाँ आकर धान और चाय की खेती करें, जिसकी वजह से लार्ज संख्या में बंगाली बर्मा पहुँचे और वहाँ खेती करने लगे। कुछ बंगाली मुस्लिमों को ब्रिटिशर्स हाई पोस्ट दे दिए और वहीं दूसरी ओर वहाँ की बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स से डरा हुआ और असमर्थित महसूस करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान ने बर्मा पर अटैक किया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया लौट आए और वहाँ की बुद्धिस्ट मेजॉरिटी जैपनीज का वेलकम किया, क्योंकि वे ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे और वहीं दूसरी ओर रोहिंग्या मुस्लिम ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच मतभेद होना शुरू हो गया। 1945 में जैपनीज बर्मा से वापस लौट गए। 1948 में बर्मा को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई, जिसके बाद बर्मा में नई गवर्नमेंट बनती है जो रोहिंग्याओं को बर्मा का नागरिक मानने से इनकार कर दिया। 1982 में गवर्नमेंट सिटीजनशिप लॉ लाती है, जिसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ वायलेंस शुरू हो गया, जिसे वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। 90 के डिकेड में मिलिट्री क्रैकडाउन के बाद बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार किया गया। उसके बाद वहां की रूलिंग स्टेट लॉ ने नॉर्दर्न रैंकाइन स्टेट में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दिए, जिसके बाद रोहिंग्याओं के खिलाफ वायलेंस बढ़ गया और वे लोग वहां से भागने लगे। उस समय लगभग 2.5 लाख रोहिंग्यास बांग्लादेश भाग गए और वहां कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट में कैंप बना के रहने लगे। और वहीं दूसरी ओर म्यांमार में रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ वायलेंस बढ़ता रहा। इसी बीच इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने अरेकेन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नाम की एक राइवल्स ग्रुप बनाते हैं जो म्यांमार आर्मी को रिटेलिएट कर सके। 25 अगस्त 2017 को अरेकन आर्मी म्यांमार आर्मी और पुलिस पोस्ट पर अटैक करती है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। उसके जस्ट बाद म्यांमार गवर्नमेंट अरेकन आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देती है, जिसके बाद म्यांमार आर्मी रिटेलिएशन कैंपेन स्टार्ट करती है। आर्मी रोहिंग्याओं को टारगेट बनाती है। आर्मी का कहना था कि हम विद्रोहियों को मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ की आर्मी ने रोहिंग्यास रिफ्यूजीज को टारगेट बनाया, इनकी बस्तियों में आग लगा दिए, हजारों लोगों को मारा गया और इनकी औरतों और लड़कियों के साथ रेप किया गया। इस ब्रूटल कैंपेन में 288 गांव को जलाया गया और लगभग 7000 लोगों को मारा गया, जिसके बाद ये लोग म्यांमार से भागने लगे। उस समय लगभग 8 लाख रोहिंग्यास रिफ्यूजीज बांग्लादेश में डिस्प्लेस्ड हो गए, जहाँ पर ये लोग कैंप बना के रहने लगे। म्यांमार में बचे हुए रोहिंग्याओं के खिलाफ अब भी क्राइम हो रहे हैं। इस समय बांग्लादेश में कुतुपलांग सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर लगभग 6 लाख रोहिंग्यास रिफ्यूजीज रह रहे हैं। टोटल लगभग 1 मिलियन रोहिंग्यास इस समय बांग्लादेश में हैं। ये लोग छोटे से कंजेस्टेड एरिया में कैंप बना के रहते हैं। इन लोगों के पास बेसिक जरूरतों जैसे फूड, वाटर और मेडिसिन की भारी कमी है।